अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप मोटराइज डिश लगाना चाहते हैं और आपको बेसिक चीज़ों के अलावा रिसीवर वगैरह में जो सेटिंग करनी होती है उस चीज़ का आपको नहीं पता, तो फिर भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। हार्डवेयर में आपने जैसे सेटिंग करनी होती है ना, जैसे लेवल वगैरह सेट करना होता है, लाइन सेट करनी होती है ज़्यादा पेचीदा, यही चीज़ें हैं ये आपने सेट कर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, रिसीवर में आपने इसकी केबल LNB से, जैसे ये केबल लगी हुई है और ये यहाँ से नीचे आ रही है, ये LNB वाले पोर्ट में आ रही होगी, ठीक है। और इससे ये जो केबल निकल रही है वो आप यहाँ से आप एक तार तो लगा के अपने रिसीवर में लगा लें, और रिसीवर में आपके पास जो कोशिश करेंगे KU बैंड की कोई जो सेटेलाइट आपके पास मौजूद हो वो लगा लें, ठीक है। वो केवल आप जब लगा लेंगे, चैनल आप लगा लेंगे, आपने वो चैनल लगा लेना, तो आपने मोटर के नीचे यहाँ पे बटन होता है, इसको आप घुमा सकते हैं इसके जरिए। जैसे मैं जो घुमा रहा हूँ तो ये मोटर घूम रही है, इस तरफ को जा रही है, ये देखें आप, ठीक है। तो जब आपके पास वो चैनल चल जाएगा तो आपने यहाँ पे इसको रोक लेना है, ठीक है। और इसी तरह इसमें एक रिसीवर में एक ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास है तो आइकन आयरन प्रो, लेकिन सब रिसीवर में सेटिंग सेम होती है। जैसे अब ये 75 मेरे पास सेट है, तो मैंने इस मोटर को घुमाया था तो ये फिर से ये मूव करके अपनी जगह पे आ जाएगी। जब मैं आपको दिखाता हूँ इसका सिग्नल स्टेटस क्या है, ठीक है, ये देख रहे हैं सिग्नल स्टेटस, ये 21-22 सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि बटन के जरिए मैं इसको एडजस्ट करके अपने जहाँ पे मुझे सिग्नल ज़्यादा मिलते हैं तो वहाँ पे मैं इसको सेट कर लूँगा। ये तो एक तरीका है। इसी तरह आप इसके अंदर भी ऑप्शन होता है रिसीवर में, आप उस बटन की बजाय रिसीवर में भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये है डाइजेक 1.2, ठीक है। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये स्टॉप के नीचे इस लाइन में, मूव वाली लाइन में, ये देखें इस रिमोट के जरिए आप इस लेफ्ट वाले बटन को दबाएंगे तो ये मोटर उसी तरफ मूव करेगी जिस तरफ का रिमोट का बटन होगा। राइट का जो बटन है उससे डिश राइट घूमेगी, ठीक है। उसी तरह आप बटन प्रेस करके रखेंगे, मुख्तलिफ रिसीवर में इसकी सेटिंग मुख्तलिफ होती है। एक होता है कंटिन्यूस मूविंग, उससे मोटर जो है ना वो बिल्कुल ही ऐसे गर्दिश करती जाती है, मूव कर जाती है। दूसरा एक स्टेप होता है स्टेप बाय स्टेप मूविंग जिसको कहते हैं, उसमें आप एक दफा बटन दबाएंगे तो जो मोटर 1 डिग्री आगे हो जाएगी या पीछे हो जाएगी जो भी आप बटन दबाएंगे, ठीक है। अगर आप मेरे इसमें बटन ऑप्शन यही है कि आप मेरे बटन को प्रेस करके रखता हूँ तो वो कंटिन्यूसली मूव कर रही होती है, और अगर मैं बटन को प्रेस करके छोड़ देता हूँ तो वो एक एक स्टेप करके अप डाउन हो रही होती है। तो ये एक तरीका मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं यार हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आप रिसीवर में किस तरह की सेटिंग करनी होती है। तो अगर रिसीवर वाली सेटिंग बाद में ही मतलब कर लें तो उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप अगर इजीली करना चाहते हैं आपके पास, लेकिन कोशिश करें कि आपके पास जो है ना वो मैक्सिमम सेटेलाइट जो है ना वो आपके रिसीवर में सेव होने चाहिए, चैनल उनके सेव होने चाहिए, ताकि आपको बार बार इसको ट्यून करने में बंदे को बहुत परेशानी होती है, और उसके TP वगैरह भी आपके पास मौजूद होने चाहिए, सेव होने चाहिए। इसके अलावा आप अगर सेटिंग करने की ट्राई करेंगे तो आपको चैनल वगैरह दोबारा से स्कैन करने पड़ेंगे, और इस पर काफ़ी देर भी लग जाती है और नए बंदों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।